नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग। और अभी टाइम हुआ है 6 और मैं बनाने जा रही हूँ खाना, क्योंकि इतने जल्दी आप कहोगे खाना बना रही हो तो हमारे यहाँ कीड़े गिरने लगते हैं काले वाले, तो खाने में ना गिरे इसकी वजह से मैं जल्दी बना रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है 1 कटोरी चने जो मैंने ऐसे सुबह फुला कर रख दिए थे पानी में भिगो करके, और 3 मैंने लिए हैं आलू धुल करके, तो इन्हें मैं कुकर में डाल दूँगी। ये देखिए, और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो मैं ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, इतना डालूँगी जिस चने में चने डूब जाए। कुछ नहीं बेटा, नहीं पर खेलो, नहीं पर खेलो, लाइटर उठा, लाइटर डाल दो। तो यहाँ पर मैं नमक डाल रही हूँ, इतना डालूँगी जितने में पक जाए छोले। तो कुकर कर देंगे बिल्कुल नीचे। नमस्ते करो आकृति। नमस्ते कर रही है। और देखिए इसकी लग गया है यहाँ पर, कल पत्थर में गिर गई थी, 15 अगस्त था पता नहीं, बाहर खेल रही थी तो वहीं गिर गई थी, तो चोट लग गई है, तो इसके बैंडेड लगा दिया है। और बच्चे हैं, खेलते रहते हैं और गिर जाते हैं यहाँ पर कड़ाए हंस। देखिए, नमस्ते करो हंस। नमस्ते है। तो मेरे दोनों बच्चे हैं, इसका नाम, बेटे का नाम हंस है और बच्ची का नाम आकृति है। देखो, अभी हम बना रहे हैं खाना शाम का, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे हैं। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ छोले, और ये हमारी छोटी सी गुड़िया दादी। चलो अब हम खाना बनाते हैं। तो दोस्तों देखिए, कुकर में चने बॉईल हो गए हैं। अब मैंने यहाँ पर रख दी कढ़ाई और मैं गैस को कर रही हूँ ऑन। तो ये देखिए, मैं गैस को जला रही हूँ। तो मैंने गैस को जला दी थी, कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तेल। तो ये देखिए, मैंने इसमें तेल डाल दिया है। तेल को अब गर्म होने देते हैं, अच्छे से गर्म हो जाए पहले। तो यहाँ पर तेल मेरा गर्म हो गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों, हींग और एक खड़ी बड़ी इलायची, तेज़पत्ता और दालचीनी की लकड़ी तड़के में। तो देखिए, तो मैं इन्हीं चीज़ों से तड़का दूंगी आज। और अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, वो सॉरी हरी मिर्च 2 कटी हुई। तो तड़के को पहले जलने देते हैं। और देखिए, मैंने इसमें 2 हरी मिर्च डालनी है कटी हुई, थोड़ा दूर से डालें ताकि ये चटकती ज़्यादा है, इसलिए कि कहीं मतलब जल ना जाओ, इसलिए थोड़ी दूर से ही डालें। और ये देखिए, मैं यहाँ पर अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट डाल रही हूँ। तो ये देखिए, मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दे रही हूँ और हम इसे अच्छे से भूनेंगे। और यहाँ पर मैं नमक भी डाल दूँगी ताकि मीठापन हट जाए प्याज का। तो ये देखिए, मैं इसमें नमक भी डाल दिया है मैंने, और हम इसे अच्छे से चलाएंगे ताकि प्याज हमारी तेल ना छोड़ने लगे तब तक। तो ये देखिए, प्याज हमारी अच्छे से भून कर हो गई है तैयार और तेल छोड़ने लगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी मसाले। तो मसाले में है धनिया, लाल मिर्च और हल्दी और किचन मसाला, किचन किंग, 4 चीज़ें हैं अभी। और इसे हम अच्छे से पका लेंगे। मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया था और इसे थोड़ा सा, ज़रा सा बिल्कुल, और इसे मैंने पका लिया है। तो ये देखिए, ये अच्छे से पक गया। अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर का पेस्ट। तो ये देखिए, तो मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट भी डाल दिया। इसे मैंने, एक टमाटर था इसे मैंने कद्दूकस करके लिया था, तो मैंने इसे भी अच्छे से पका ले रही हूँ। तो ये इसमें मैं हम नमक डालूँगी स्वाद के अनुसार। तो ये देखिए, और इससे टमाटर जल्दी पक जाएगा नमक डालने से, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मेरा टमाटर भी भुन गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी।
अब पानी में अपने जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए उतने उसी के अनुसार ले रही हूँ जितना मुझे चाहिए। तो देखिए इसमें मैं थोड़ा और पानी डालूँगी और मैंने डाल दिया है और पानी को पकने देते हैं। देखिए चने भी पक गए हैं अच्छे से, मिस रहे हैं। और वहाँ पर हंस बैठा है, लाइट हमारे आगे चली गई है तो अंधेरा अंधेरा आपको दिख रहा होगा। तो मैं अब पानी पकने लगा है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ चने। ये काले चने हैं और हमारे घर के भी हैं, खेत के हैं हमारे, देसी हैं। तो ये देखिए मैंने इनको डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मिसे हुए दो आलू। एक आलू मैंने निकाल दिया क्योंकि आकृति सब्जी नहीं खाती है, उसे आलू ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए, और यहाँ पर मैंने रख दिया है चावल के लिए पानी कुकर में। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें छोले मसाला अपने टेस्ट के अनुसार। और इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी बिल्कुल हल्का सा गरम मसाला। तो ये देखिए मैं गरम मसाला यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा, और इसे हम और 2-3 मिनट तक पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब्जी और 2 मिनट तक पकाने के बाद मैंने यहाँ पर डाल दी है कस्तूरी मेथी। तो देखिए मैंने यहाँ पर कस्तूरी मेथी डाल दिया, सब्ज़ी मेरी पक करके हो गई तैयार। मसाला डालने के बाद, गरम मसाला डालने के बाद मैंने 2 मिनट पकाया था। और यहाँ पर मैं चावल चढ़ा रही हूँ। तो देखिए लाइट अब आ गई है हमारे यहाँ की, और आकृति आई है, वो लाइट लेने आई थी। देखिए तो लेकर चली गई लाइट। और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ रोटियाँ, और एक साइड मेरे चावल पक रहे हैं, एक साइड मैं रोटियाँ बना रही हूँ। रोटियाँ मैं बहुत पतली पतली बनाती हूँ क्योंकि गैस की रोटी है, पतली बनानी ज़रूरी होती हैं। तो ये देखिए मैंने पतली पतली बनाई हैं। तो ये देखिए जल्दी से हम रोटियां भी बना लेते हैं, अभी टाइम साथ हुआ है क्योंकि बार बार लाइट भी जा रही है ना, इसलिए जहाँ उजाला होता है वहीं कीड़े आने लगते हैं। और यहाँ पर हंस को खाना खाना है तो उसे मैं सब्जी ना रही हूँ। अभी चावल नहीं पके हैं तो बाद में खा लेंगे चावल। ये देखिए तो सब्जी बना देंगे उसे, अब मैं उसे रोटियाँ दे रही हूँ और वो जाके खाएगा। और यहाँ पर मैं सेक रही हूँ रोटियाँ। तो मेरी रोटियाँ सेक गई हैं। दोस्तों आप लोग ज़रूर इस तरह की सब्ज़ी बनाकर ट्राई कीजिएगा क्योंकि हम लोग तो बनाते रहते हैं और अच्छी भी बनती है, छोले जैसा टेस्ट रहता है इसका। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने खाना लगाया था, आप लोग भी खा लीजिए। मैं खाना खा रही थी, मैं आपको दिखा रही थी। और यहाँ पर मैंने चावल ए मोमोज की चटनी रखी है। मैंने खाना खा लिया हम सब लोगों ने, और अभी 9 बजे हैं रात के, और बच्चे मेरे खाना खा करके सो गए हैं। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो।